नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल अनोन वर्ल्ड बाय वीना भदुरिया में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के द्वारा आपको अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। आज भी मैं अपनी वीडियो में आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी देने के लिए जा रही हूँ। यदि आपको अच्छी लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। दोस्तों, आप सब जानते हैं झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। झाड़ू ऐसी चीज है जो आपके घर की दरिद्रता को, गंदगी को दूर करती है। घर की गंदगी को दूर करते हुए वो आपके भाग्य की गंदगी को भी दूर कर देती है। आप देखना दोस्तों, राहु है वो गंदगी से जुड़ा हुआ ग्रह है। राहु से यदि जो व्यक्ति ग्रसित है वो कहीं शराब पिएगा, कहीं कोई ना कोई नशा करेगा, कहीं गलत जगह पैसा उड़ा देगा, देखावा करने के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। यदि पैसे उसके पास आ गए तो, और पैसे नहीं है तो है ही बर्बाद। और दोस्तों, चंद्र जो है बहुत स्वच्छ ग्रह है। राहु जिसके ऊपर प्रसन्न होते, जिस पर कुपित होते हैं, वो व्यक्ति की ऐसी आदतें होती है और उस व्यक्ति के घर में दोस्तों गंदगी बहुत मिलेगी। राहु गंदा ग्रह है। कुछ दिनों पहले मैंने कमेंट पढ़ी थी कि मैडम हम कितने भी घर की सफाई करते हैं घर के अंदर गंदगी दिखाई देती रहती है, तो इसी वजह से होता है। राहु की कहीं ना कहीं छाया जब रहेगी घर में तो घर के अंदर सफाई नहीं दिखेगी, और जिस घर में सफाई नहीं दिखेगी उस घर में कभी चंद्र के शुभ आशीर्वाद नहीं उतरेंगे, क्योंकि चंद्र बहुत ही शुद्ध सहज ग्रह है। चंद्र सफाई पसंद करता है। जिस व्यक्ति के घर का वायव्य कोना दोस्तों गंदा होगा, देखना उस व्यक्ति का मन गंदा होगा। उस व्यक्ति को कहीं चक्कर आएंगे, कहीं उसको वॉमिटिंग जैसा होगा, कहीं उसका मन दूषित रहेगा, तरह तरह की बीमारियों से वो ग्रसित रहता है। वैसे यदि वायव्य कोने की बात निकली है दोस्तों, तो बता दूं जिन लोगों की शादी ब्याह में तकलीफ पड़ रही हो, ऐसे कन्याएं और ऐसे लड़के वायव्य कोने में सिर रख करके यदि सोना शुरू कर दें तो शादी के योग बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं। वायव्य कोने को आप जितना ज्यादा सजा संवरा रखेंगे, आपके घर की धन संपदा उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों, आपके घर को स्वच्छ रखने का जो काम करती है वो है झाड़ू। दिन में दोस्तों कभी भी झाड़ू को खुली ऐसे ना रखें कि हर व्यक्ति की नजर पड़े। आप देखना, आज भी जो संस्कारी परिवार है वहां पर घर की बहू बेटियों को ये शिक्षा दी जाती है कि आप ऐसे कपड़े पहने कि आपका शरीर दूसरे लोग ना देख पाए, क्योंकि इससे काफी गंदगी फैलती है। तो उन्हें ये शिक्षा दी जाती है, उनके अंदर गंदगी नहीं है लेकिन ये करके उन्हें समाज से और जो दुष्ट लोग हैं उनकी नजरों से माता पिता अपनी बच्चियों को बचाते हैं, है ना। कोई भी माता पिता या कोई भी सास ससुर कभी अपनी बहू को ये नहीं कहेगा कि खुले आम आप बाहर ऐसे घूमो, जहां चार दुष्ट लोग खड़े हों वहां पर जाओ। वो हमेशा ये कहेगा नहीं, आप घर में रहो, अंदर रहो, थोड़ा छुप करके रहो। उनका उद्देश्य यही होता है कि गलत लोगों की नजर आपके ऊपर ना पड़े। तो जो घर की बहू है, घर की बेटी है, ये भी घर की लक्ष्मी है। इन्हें छुपा कर रखा जाता है। जो भी कीमती चीज होगी दोस्तों उस पर दुष्टों की नजर जल्दी पड़ती है। घर की जो पूजा पाठ है, आप कभी भी बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कभी उसको किसी को बताए नहीं कि मैं इतने मालाओं का जाप कर रहा हूँ, इतने मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, मैं ये वाला अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैंने ये सिद्धि हासिल की है। ऐसा करने से आपकी शक्ति जो है वो दूषित हो जाती है, आपकी शक्ति में कमी आ जाती है। शक्ति आपकी उतनी पावरफुल काम नहीं करेगी जितना उसे करना चाहिए। कोई भी काम जब तक गुप्त रहेगा तब तक वो पनपता है, फलता फूलता है। ऐसे ही जो घर की झाड़ू है, कभी उसको यूं खुले आम बाहर ना रखें कि सभी व्यक्ति की उस पर नजर पड़े। दिन में हमेशा उसे छुपा कर रखें, और संध्या समय दोस्तों आप उसको निकाल करके हॉल में, जो आपका मेन कमरा हो वहां रखें, क्योंकि संध्या समय माता लक्ष्मी हर व्यक्ति के घर में आती ही आती है। घर का माहौल अच्छा होता है तो रुकती है, जिनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, मतलब जहां बहुत कलह है, गंदगी है, पूजा पाठ नहीं है, वहां से तुरंत चली जाती है।
तो दोस्तों ये चीजें बहुत ध्यान रखने के लायक है। घर की जो झाड़ू है उसे कभी भी दोस्तों बेडरूम में ना रखें। जहां भी पति पत्नी शयन करते हो उनका जो शयन कक्ष है उसमें कभी भी झाड़ू ना रखें। यदि आप अपने बेडरूम में झाड़ू रखेंगे तो आपके घर में हमेशा कलेश होता रहेगा, पति पत्नी के बीच में जल्दी बनेगी नहीं, छोटी छोटी बातों में लड़ते रहेंगे, कोई ना कोई वजह हो जाएगी और लड़ पड़ेंगे। शांति से एक जगह बैठ करके 2 घंटे बात नहीं कर पाएंगे यदि आप अपने बेडरूम में झाड़ू रखेंगे। कलेश सदैव दोनों के बीच में बना रहेगा। दूसरा दोस्तों, यदि आपके घर में सोफा है, पलंग है और उसके नीचे आप झाड़ू रखते हैं तो ध्यान रहे सास बहू की कभी नहीं बनेगी। सास बहू के रिश्ते में हमेशा खट्टापन रहेगा। वैसे भी कई परिवारों में क्या 80% परिवारों में हो रहा है, झाड़ू ना भी रखी जाए तो सास बहू की बनती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी होती है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। न सास के मन में यह होता है कि मैं बहू को तकलीफ दूं, ना बहू के मन में यह होता है कि मैं सास को तकलीफ दूं। लेकिन जो प्रेजुडाइज्ड है, जो बहुओं के दिमाग में एक चीज है कि सास है तो अगर सास ने डांट दिया तो उन्हें बुरा लगता है, मम्मी डांटती है तो बुरा नहीं लगता है ना, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। जो हमारी प्रेजुडाइज्ड होती है, हमारे जो पूर्वाग्रह होते हैं कि ये व्यक्ति है तो ऐसा ही है, तो वो चीज हमें दूसरे से मिक्स नहीं होने देती। कभी कभी सास को ये लगता है कि ये तो बहू है, मेरी बेटी थोड़ी है, ये मुझे महसूस नहीं कर सकती, तो वो उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पाती। तो इस टाइप से सास बहू के बीच में मन मुटाव अनबन यो भी बनी रहती है। और उसमें अगर झाड़ू आपने रख दी, सोफे के नीचे रख दी, पलंग के नीचे रख दी, तब तो फिर क्या बात है, बहाने बहाने झगड़ा होगा, दूसरे लोग घर में रह ही नहीं पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, उसने कहा कि मैं घर पे जा ही नहीं रहा हूं 2 दिन से। क्यों, हमारे घर में झगड़ा इतना होता है, सास बहू इतना झगड़ा करती हैं, खाने तक का उन्हें यह होश नहीं कि खाना पकाना है या कोई व्यक्ति बाहर से काम करके आया उसे खाना खाना है। तो ये सास बहू के झगड़े हद से ज्यादा पार हो जाते हैं जब छोटी छोटी गलतियां घर में होती हैं। ठीक है, तो कभी भी सोफे के नीचे, पलंग के नीचे झाड़ू ना रखें। तीसरा दोस्तों, रसोई घर में भी कभी झाड़ू ना रखें। रसोई घर में भी माता अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर में झाड़ू रखने से आप देखेंगे कि आपके घर के बच्चे चिड़चिड़े होंगे, बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, बच्चे कुसंगत में पड़ जाएंगे, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, मतलब कि जितनी कमियां आप ढूंढ लो सब बच्चों में मिलेगी, जो अच्छाइयां आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में हो वो नहीं होगी। तो ये 3 जगह दोस्तों गलती से भी झाड़ू ना रखें, रसोई घर, बेडरूम और सोफे, पलंग, इन चीजों के नीचे। काफी लोगों देखा है ऐसे साफ किया और फटाक से नीचे डाल दिया, यहां किसी को दिखती नहीं है, डाल दो। पर ऐसा करने से घर में बड़े बड़े कलह होने लग जाते हैं। तो इन 3 जगहों पर दोस्तों झाड़ू कभी भी ना रखें। जय श्री कृष्ण।